कल जय श्री महाकाल। आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका, आभार है। और यदि चैनल से आप नहीं जुड़े तो प्लीज़ जुड़ जाएं और नई नई जानकारी पाएं। सफलता में तीन रुकावटें जो मेन हैं उस पर हम आज वीडियो में पूरे बात करेंगे। आप इसको पूरा देखें तो इन सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, पहली बात है कि कार्य की शुरुआत हम कैसे करें। कई बार हम कार्य की शुरुआत को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, जो सफलता में सबसे बड़ी रुकावट है। कोई भी काम की शुरुआत छोटे स्तर से हमें कर देना चाहिए, क्योंकि उसके परिणाम जो है वो धीरे धीरे हमें आने वाले समय में दिखाई देंगे। और अगर हम बैठे रहेंगे कि हम कल शुरुआत करेंगे, थोड़े दिन बाद शुरुआत करेंगे, तो चीज़ें पक्ष में मुकाबले विपक्ष में ज़्यादा होगी, चुनौतियाँ और बड़ी होगी, चीज़ों को सीखने में और हमारा जो वक्त है वो ज़ाया जाएगा। इसलिए छोटे से बात किसी भी चीज़ को यदि आप करना चाहते हो तो कर दीजिएगा, पहली बात जिस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात है कि यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, ये नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, शुल्क लागू है यहाँ से दोस्तों। व्हाट्सएप पर इंक्वायरी करके वहाँ से नंबर मेरा बुक कर सकते हैं। दूसरी बात होती है कि हम लोग क्या कहेंगे, मतलब काम को शुरुआत कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे उनकी बात, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, मतलब लोगों के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं शुरुआत करने के बाद। तो ये चिंता बिल्कुल आपको करना नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों का काम है कहना। ये बात आपने सुनी होगी, लोग अपना अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा, और जो उनका एक व्यू है वो होगा। हमारा मेन फोकस होता है वो हमारे लक्ष्य की तरफ होना चाहिए, चाहे व्यापार हो, शिक्षा हो, इस जीवन में जो भी पॉजिटिव सकारात्मक काम है उसकी तरफ होना चाहिए। तीसरी बात है कि कार्य को करना और करने के साथ उसमें सफल होना और सफलता को पचाना, ये दो चीज़ तो आप अगर आगे बढ़ जाएंगे तो एक चीज़ जो चुनौती आ जाएगी, कार्य हम करेंगे, कंटिन्यू करना, लगातार करते रहना, और सफलता आने के बाद जो एक सुस्तपन हो जाता है, व्यक्ति सफल होने के बाद कार्य में एक सुस्तपन उसमें आ जाता है। इसलिए सफल होने के बाद भी आप कंटिन्यू उसमें आगे बढ़ते रहें, क्योंकि यही सच है और इसमें ही फायदा है आपका। आप रुक जाएंगे, थम जाएंगे, तो कई सारी चीज़ें आपकी जो सही सेटअप थी वो तकलीफ़ों में आ जाएगी। तो कोशिश ये करें कि सफलता मिलने के बाद एक नया टारगेट आप करें, तो ये चीज़ों को सही तरीके से मैनेज भी कर पाएंगे और सफलता को सही, क्योंकि सफल होना बड़ी बात नहीं, सफलता को पहचानना बहुत बड़ी बात। तो ये तीन रुकावटें हैं व्यक्ति को हमेशा सफल बनाए रखने के लिए और सफल होने के लिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो बताएं कि वीडियो कैसा लगा हो, जानकारी कमेंट्स में आप लिखें, कमेंट जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें, और जो है किराया खुलकर लिख सकते हैं। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।